अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ शख्सियात का ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। किसी और मुल्क के मफाद के लिए खारजा पॉलिसी बने तो आप आज़ाद नहीं होते। इमरान खान का कहना था कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराना आईन की खिलाफ वर्जी है। मेरी तहरीक का मकसद ही इंसाफ के निज़ाम के लिए लड़ना है। अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस के सरबरा स्पेशल GIT की सरजनिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियाँ हुई हैं। केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक पब्लिक कर दी गई। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए काम जारी। 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाने का इम्कान। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। PSL 8 में शिरकत के लिए मजीद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। COO लाहौर कलंदर समीन राणा ने गैर मुल्की खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। मोहम्मद हफीज भी PSL 8 में एक्शन में दिखाई देंगे। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी के इस्तीफे का ऐलान। कंजर्वेटिव सियासी रहनुमा मुतहरिक हो गए। जॉन टॉरी ने अपनी एक स्टाफ के साथ ताल्लुकात का एतराफ़ करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया था। अमेरिका ने कनाडा के फिजाई हदूद में दाखिल होने वाली नाकाबिल शनाख्त शय को मार गिराया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अपने शहरियों की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। नामालूम ऑब्जेक्ट कैनेडियन शहरियों और सिविल एविएशन के लिए खतरा था। वीज़ा सिस्टम पर तरीक़ाकार को नरम करने के लिए जोर दे रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हम आर्जी वीज़ों के बारे में भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंटी इमिग्रेशन पार्टी को कनाडा में कामयाब होने में मुश्किल पेश आएगी। अमेरिका ने एक साल में 10 से ज़ायद बार हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिका ने हमारी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने की कोशिश की। हमारा रद्द अमल जिम्मेदाराना और पेशावराना था। तुर्की और शाम में जलजले से जाबहक अफराद की तादाद 34,000 से मुतजावज़। 2 खवातीन और 1 शीरखवार बच्चे को अलग अलग मकामात से मलबे से ज़िंदा निकाला गया। जलजला मुतासरा इलाकों में तमाम शामी फरीक इमदाद पहुँचाने दें, अमरीका का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ अदाकार, सदाकार और TV मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ अदाकार, सदाकार और TV मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत सियासी रहनुमाओं ने ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन अपनी ज़ात में एक फ़न पारा थे। ज़िया मोहिउद्दीन के मखसूस अंदाज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में धूम मचाई। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ हमारे जहन में गूंजती रहेगी।
ज़िया मुहिउद्दीन की सलाहियतों और उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील दे, आमीन। ख्याल रहे कि मुमताज़ अदाकार, हिदायतकार और टीवी मेज़बान ज़िया मुहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर ने भी ज़िया मुहिउद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अदब फ़न के शोबे में गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आईन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते थोड़े से डॉलर्स के लिए। हमने अमरीका को खुश करने की कोशिश की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आईन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते थोड़े से डॉलर्स के लिए। हमने अमरीका को खुश करने की कोशिश की। जो ऊपर बैठे थे उनका फ़ायदा हुआ और कबायली इलाकों को उजाड़ कर रख दिया। किसी और मुल्क के मफाद के लिए खारजा पॉलिसी बने तो आप आज़ाद नहीं होते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि पिछले 8 माह में डॉलर की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ। सिंगापुर में छोटे चोरों को नहीं बड़े बड़े वजीरों को पकड़ा गया। मुल्क छोटी चोरी से नहीं साहिब इक्तदार की चोरी से ख़त्म होता है। कानून की हुक्मरानी में स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पर है, नाइजेरिया कानून की हुक्मरानी में आखिरी नंबर पर है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश थी रूस से सस्ती गंदुम लें। मैं नहीं समझता कि सैलाब के बायस अब गंदुम की वो पैदावार होगी। प्यूतन से तय कर लिया था कि हमें रूस सस्ता तेल देगा। इमरान खान ने कहा कि वापस आए तो बाजवा ने कहा कि रूस की मुज़म्मत करो। मैंने कहा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जैसा भारत रहा। अमेरिका को खुश करने के लिए रूस की मुज़म्मत कर दी। उनका कहना था कि मैं तो अपनी आवाम के लिए बात कर रहा था, दूसरों के लिए पॉलिसी बनाए तो नतीजा वही होता है जो आज महंगाई की सूरत में है। कमज़ोर तबके की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने कहा कि हम इंतजार करते रहते हैं कि पहले पैसे आएंगे फिर फलाही रियासत बनेगी। मेरी तहरीक का मकसद ही इंसाफ के निज़ाम के लिए लड़ना है। जब तक कानून ताकतवर मुजरिमों को NRO देता जाएगा किसी भी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। उनका कहना था कि सबसे बड़ी गुलामी किसी इंसान की ज़हनी गुलामी होती है। ज़हनी गुलामी से सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। हम अभी तक ज़हनी गुलामी से बाहर नहीं निकल सके। पाकिस्तान का तसव्वुर रियासत मदीना के उसूल पर खड़ा होना था। चेयरमैन PTI का कहना था कि स्कॉलर्स का काम है कि बताएं कि क्या बनना था और क्या बन गए हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर जो मुआशरा चलेगा ऊपर चला जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये मुआशरा मुसलमान हो। यूरोप, अमरीका और चीन ऊपर जा रहे हैं, ये रियासत मदीने के उसूलों पर चल रही है। फिक्री इनकलाब के बायस दो सल्तनतें गिर गईं। इमरान खान ने कहा कि ताकत पर चोरी करके NRO ले लेते हैं। पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं। कभी सुना कि यूरोप में कोई कब्जा ग्रुप है? कौम के वसाइल की चोरी करप्शन होती है। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कुछ जी पता नहीं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, सोचे, कहते पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। ये तो डायरेक्ट, ये भी आइन की कॉन्ट्रोवेंशन है। सो हमारे मुल्क के अंदर जब तक हम रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं करते, जो मैंने 26 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की थी, इंसाफ की तहरीक मीन्स रूल ऑफ लॉ, तो ये तो नंबर वन चीज थी मदीना की रियासत में। खुशहाली बाद में आई, पहले अदर और इंसाफ आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ कत्ल केस असहोद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क तहकीकात में कुछ गलतियां हुई हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ कत्ल की तफ्तीश करने वाली GIT ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ कत्ल केस असखुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क तहकीकात में कुछ गलतियां हुई हैं। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने सरबराह GIT उवैस अहमद की सरजनिश की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि जो काम आपके जिम्मे लगाया हुआ था वो हुआ या नहीं? कीनिया से कत्ल से मुतालिक कोई मवाद मिला या नहीं? कहानियां ना सुनाएं, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। जवाब में GIT के सरबराह ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल पर कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी रिमार्क्स दिए कि शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आई, ये बताएं कि मवाद क्या जमा हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ के मोबाइल और दीगर सामान कहाँ हैं। जवाब में GIT के सरबराह
ओएस अहमद ने बताया कि मोबाइल और आईपैड कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के पास है। अरशद शरीफ का बाकी सामान मौसूल हो चुका है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं, केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक पब्लिक कर दी गई, किसी ने जानबूझकर पब्लिक की है, पता करें कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आम करने के पीछे कौन था। दौरान समाज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि कीनिया पुलिस जिस कहानी पर तहकीकात कर रही है वो काबिल कबूल नहीं, अरशद शरीफ कत्ल पर जेआईटी बनाने की यही वजह थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत एक माह के लिए मुलतवी करते हुए दो हफ्तों में जेआईटी से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़े रहे कि अरशद शरीफ को गुज़िश्ता बरस कीनिया की पुलिस ने मुबैना तौर पर गलत शनाख पर गोली मार के हलाक कर दिया था। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए काम जारी है। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। IMF के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए काम जारी है। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात का आज से आगाज़ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के मुताबिक FBR 170 अरब रुपये के टैक्स लगाने के लिए काम कर रहा है, जबकि मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजेक्शन पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। आवाम से सबका बकाया जात की रिकवरी के लिए काम जारी है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान बिजली बिलों पर दिया गया रिलीफ वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। सिगरेट, चीनी और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे का इम्कान है। वाज़े रहे कि पाकिस्तान और IMF के माबैन अगली किस्त के लिए 10 रोज़ा जायजा मुज़ाकरात 9 फरवरी को मुकम्मल हो गए थे, ताहम स्टाफ सतह का मुहैदा ना हो सका था। IMF मिशन ने मुहिदे को वाशिंगटन में हेडक्वार्टर की मंजूरी से मशरूत किया था। मुजाकरात में बैरूनी कर्जों, जर मुबादला के जखायर, टैक्सों के नफाज के लिए मिनी बजट पर उमूर तय किए जाएंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। उनके खिलाफ मुकदमे का मुद्दई अरशद महमूद वल गुलाम सरवर है। शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लखारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लखारी को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया था कि शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी थी। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ भी PSL 8 में एक्शन में दिखाई देंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ भी PSL 8 में एक्शन में दिखाई देंगे। HBL PSL के 8वें सीज़न के लिए लाहौर कलंदर्स के डेविड वैसा, लियाम डाउनसन, सिकंदर रजा और शाह होप ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। COO लाहौर कलंदर्स समीन राणा ने गैर मुल्की खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी उनको होटल में खुश आमदीद कहा। दूसरी जानब श्रीलंका के राजा पक्से और ऑस्ट्रेलिया के पियर हेटोज ग्लोव कराची पहुंच गए। दोनों खिलाड़ियों ने पिशावर जलमी के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, जबकि टॉम कोहलर कैडमोर पहले ही पिशावर जलमी को ज्वाइन कर चुके हैं। वाजे रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर जलमी पहला मैच कल कराची किंग्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानब मोहम्मद हफीज भी PSL 8 में एक्शन में दिखाई देंगे। मोहम्मद हफीज का इंतखाब क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने अनफिट एहसान अली की जगह किया है। ऑलराउंडर ने गुज़िश्ता सीजन में लाहौर कलंदर्स टीम की नुमाइंदगी की थी, लेकिन इस बार उन्हें किसी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। मोहम्मद हफीज ने 5 फरवरी को क्वेटा में पिशावर जलमी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच में बतौर मुबसर जिम्मेदारियां निभाई थी। PSL 8 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स 15 फरवरी को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।